तो ये व्हाट्सएप गाइस क्या हाल चाल है, होप सारे सारे ठीक ही होंगे यार। तो अगर आपको भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना है तो सिंपली सा गाइस आपको कुछ नहीं, सिंपली सा आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। आपको काइंड मास्टर के अंदर आ जाना होगा। तो सिंपली गाइस आपको काइंड मास्टर के अंदर आने के बाद अगर आपको ये वाला भी काइंड मास्टर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो कि मेरी एक वीडियो मैंने बनाई कैसे आप लेटेस्ट वर्जन काइंड मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली सी गाइस आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे टैप करना, टैप करने के बाद आपको 16:9 का ले लेना है। तो इसके बाद आपको मैंने लिंक में सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस हमने बैकग्राउंड रिपब्लिक डे का बैकग्राउंड वाला इस तरह का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली गाइस आपको ये वाला लेयर ले लेना, लेने के बाद आपको सिंपली सा कोई सा भी एक इमेज ले लेना जो कि PNG रहना चाहिए, जैसा कि मैं ले लिया हूँ। यहाँ से आप सिंपली सा सेट कर लीजिएगा इस तरह सीखिए। तो सेट करने के बाद आपको सिंपली सा इसको भी टाइम ड्यूरेशन इसका भी लास्ट तक कर दीजिए, तो यहाँ से अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली सा दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन में टैप करना, टैप करने के बाद दोबारा से मीडिया में जाना है। जाने के बाद आपको मैं ये सब सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली से गाइस आपको मैंने ये ग्रीन स्क्रीन वाला ये फ्लैग दे दूंगा, तो सिंपली सा ये वाला भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये वाला आपको लेयर सेलेक्ट करना, करने के बाद आपको क्रोमा की दिख जाएगा तो इस पर टैप करना है, यहाँ से इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आपको क्रोमा की ग्रीन कलर का रहना चाहिए। तो यहाँ से तो सिंपली से गाइस आपको इस तरीके से आपका फ्लैग हो जाएगा। होने के बाद आपको सिंपली सा इसे थोड़ा सा इस साइड के लिए इस पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको सिंपली सा नीचे के साइड आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना। टैप करने के बाद आपको सिंपली सा यहाँ से रोटेट थोड़ा सा कर देना है, ये सिंपली सा इस साइड के तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से राइट वाले पर टैप कर देना है। तो सिंपली सा गाइस आपको यहाँ से थोड़ा सा नीचे के साइड इसको कर देना है इस तरीके से, तो यहाँ से राइट पर टैप कर देना है। तो इस तरह का थोड़ा सा बन जाएगा। तो सिंपली सा गाइस आपको दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ से दोबारा से मीडिया में जाना है। जाने के बाद आपको जो मैं दे दिया हूँ ये वाला टैक्स वाला PNG, तो आपको ये वाला भी डाउनलोड कर लेना है। सिंपली सा गाइस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इस तरीके से जूम कर लेना है, तो यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ से इसको भी पूरा टाइम ड्यूरेशन जितनी बड़ी आप वीडियो बनाना चाहते हैं उतना बड़ा कर दीजिएगा। सिंपली सा गाइस हम यहाँ से इतना कर देते हैं। तो इसके बाद आपको दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, दोबारा से आपको एक और मिल जाएगा इस तरीके का PNG, तो इसको सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपको थोड़ा सा इसे छोटा कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली से इस जगह पे सेलेक्ट कर देना है। करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे नीचे के साइड आना है, यहाँ पे आ जाए ये इस साइड आना है, क्या नाम है, क्रॉपिंग में आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ से मार्क वाले पे इनेबल कर देना है। करने के बाद आपको फेदर यहाँ पे इसका थोड़ा सा बढ़ा लेना है, तो इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से आप ना अब अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सिंपली सा इसको भी कभी टाइम ड्यूरेशन सही कर लीजिएगा, जैसे जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ से इतना हो गया है। होने के बाद दोबारा से लेयर वाले ऑप्शन पे टाइप करिएगा। टाइप करने के बाद आपको मीडिया में दोबारा से जाना है, तो ये वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाद आपको यहाँ से इस वाले आइकन में टैप करना है, तो फुल स्क्रीन इसको कर देना है। तो सिंपली सा राइट वाले पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली सा नीचे आ जाना है, यहाँ इस साइड ब्लीडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको सिंपली सा स्क्रीन कर देना है, तो इस तरह का हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरा बन चुका है इस तरह का वीडियो। तो इतना होने के बाद आपको सिंपली सा यहाँ पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से सिंपली से गाइस देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ से आप अपना वीडियो हाई लो कर सकते हो और यहाँ से आप सेव कर सकते हो। यहाँ से हमारा वीडियो सेव होना शुरू हो गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। बस अगर अभी भी वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।